हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वर्तमान में भारत में कौन क्या है, हु इज करंटली इन इंडिया। इसके अंदर हम मिनिस्टर्स के अंदर बात करेंगे, जितने भी पोस्ट्स होते हैं डीजी लेवल की पोस्ट और जितने भी अपने डिपार्टमेंट है उनके डायरेक्टर चीफ चेयरमैन सबकी बात करेंगे। तो ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 7 फरवरी 2019 को, और आगामी अगर 4-5 महीने तक आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मिनिमम 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, यानी 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर करंट अफेयर से रिलेटेड और स्टैटिक फैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें मैंने सब प्रकार से कवर किया है क्वेश्चन, तो आप जरूर देख के जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ इसको इसलिए जरूर कह रहा हूँ क्योंकि मिनिमम 10 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो इस वीडियो को पूरा देख के जाते हो। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वीके यादव। आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यादव। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो अश्विनी लोहानी को। और रेलवे मिनिस्टर कौन है अपने? पीयूष गोयल। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? एट प्रेजेंट रंजन गोगोई। ध्यान में देना, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई है इंडिया के। चुनाव आयुक्त वह है सुनील अरोड़ा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से? 25th नंबर के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? 24th नंबर के कौन थे? उर्जित पटेल। संघ लोक सेवा आयोग जो डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी के बताना है तो आंसर हो जाएगा श्री अरविंद सक्सेना। उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो है अजीत डोभाल, यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अपने मोदी जी के, वो मतलब सलाह देने वाले वो है अजीत डोभाल। नेक्स्ट है अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा आपको जो चेंज हो गए थे, लेटेस्ट है वो बताऊंगा, अभी कुछ ही टाइम में चेंज किया। इसलिए अपना जो NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर वो है YC मोदी। नेक्स्ट बात करें तो बार्क के डायरेक्टर है, बार्क की बात करें तो ये बार्क कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर रहता है, ध्यान में रखना है। और इसके जो अभी डायरेक्टर है वो है कमलेश नीलकंठ व्यास। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, इसका पूरा नाम है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है प्रसार भारती के डायरेक्टर बताना है तो ए सूर्य प्रकाश, तो आंसर हो जाएगा ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट की बात करें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त है वो है सुधीर भार्गव। सेबी के चेयरमैन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी सेबी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय त्यागी, ध्यान में रखना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट है अपन बात करें तो अब आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ कौन है? बिपिन रावत, ध्यान में रखना बिपिन रावत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। FTI के प्रेसिडेंट पूछे आपसे, अगर FTI फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके अगर प्रेसिडेंट पूछे तो बताना बिरजेंद्र पाल सिंह। अगर इसके डायरेक्टर पूछे तो बताना भूपेंद्र कैंथोला। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म्स याद में रखने, कन्फ्यूजन नहीं होना। प्रेजिडेंट और डायरेक्टर दोनों पोस्ट इसकी। GST के ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो अमिताभ बच्चन है। ये 1 जुलाई 2017 से इंडिया के अंदर लागू किया गया था, और किसने इसको लागू किया था? वो किया था भारत के प्रेजिडेंट थे उस टाइम प्रणब मुखर्जी। स्टील मिनिस्टर कौन है तो अपने को बताना है चौधरी बीरेंद्र सिंह, स्टील मिनिस्टर है इनका। अगर वो पूछा जाए, ये राज्यसभा मेंबर है कहाँ से? हरियाणा से, हरियाणा से राज्यसभा मेंबर है स्टील मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करें अपन, 7th पे कमीशन चेयरमैन कौन है? 7वें जो वेतन आयोग के, ध्यान देना 7th का पूछा है, और वो भी पे कमीशन का, नॉट फाइनेंस, कन्फ्यूजन मत हो जाना। तो वो है अशोक कुमार माथुर। यह है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये हो गए वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव। रेलवे मिनिस्टर हो गए पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर तो ये क्या है? तो यह है राज्यसभा सदस्य, कहाँ से? ये कौन सी स्टेट से? ये महाराष्ट्र से। तो ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या आएगा, राज्य जो पीयूष गोयल साहब हैं ये कौन से राज्य से राज्यसभा सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा कौन से राज्य से, स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो महाराष्ट्र से। स्पोर्ट्स मिनिस्टर बताना है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और इनका जो लोकसभा क्षेत्र वो है जयपुर। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन। अगर इनकी बात करें तो ये कर्नाटक से राज्यसभा मेंबर है, ध्यान देना कर्नाटक से राज्यसभा मेंबर है। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो चेयरमैन है कौन है? नरेंद्र मोदी। ध्यान देना, नीति की बात करें पहले ये होता था योजना आयोग, और योजना आयोग को इसका नाम बदल दिया था 2015 के अंदर, बाद में इसका नाम बदल दिया नीति आयोग, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते प्रधानमंत्री, तो यानी नरेंद्र मोदी ये हो जाएंगे। इसका जो नाम कब बदला गया तो ये पूछा जा सकता, तो आपको बताना 1 जनवरी 2015, ये डेट याद रखनी है। और इससे पहले इसका नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। अगर इसके वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो आपको बताना है राजीव कुमार, वाइस प्रेसिडेंट हो गए राजीव कुमार। और इसके CEO पूछ लें तो अमिताभ कांत। और इसके अगर डायरेक्टर पूछ लें, निदेशक डायरेक्टर, तो आपको बताना है दिनेश अरोड़ा क्या हो जाएंगे? नीति आयोग के डायरेक्टर।
सीजीआई की बात करें तो यह रंजन गोगोई, और ये कितने नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कितने नंबर का है, तो नंबर पूछे तो 46 नंबर के हैं। कितने? 46 नंबर के। तो पहले नंबर के कौन थे, एक ये भी पूछा जा सकता है जीके के अंदर, फर्स्ट नंबर के थे एच जे कनिया। पहले सीजीआई कौन थे इंडिया के, वो थे एच जे कनिया, जिनका पूरा नाम था हरिलाल जैकिन दास कनिया, और ये 46 नंबर के, रंजन गोगोई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी जो चुनाव आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा। अटॉर्नी जनरल यानी जो मान्यवादी है इंडिया की वो है के वेणुगोपाल। प्रेसिडेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO है, इसके डायरेक्टर बताना है अपने को, जो भी है वो है जी सतीश रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट है, DRDO वाले जी सतीश रेड्डी। DRDO का फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, तो वो फॉर्मेशन हुआ था 1958 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली आपको बताना है। SBI के जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष है वो है रजनीश कुमार। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके चेयरमैन है राजीव जैन। ये इंपॉर्टेंट है, जो चेंज है जो लेटेस्ट है बिल्कुल ही वो और बताऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना है, राजीव जैन। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके जो DG है वो है रजनीकांत मिश्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है, रजनीकांत मिश्रा, और ये किसके अंडर में आते हैं, BSF ये आता है अपने गृह मंत्रालय के अंडर में। CRPF DG बताना है तो राजीव राय भटनागर, ये भी इंपॉर्टेंट है। BSF के DG है रजनीकांत मिश्रा, CRPF के DG है राजीव राय भटनागर। LIC के एक्टिंग चेयरमैन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा, क्योंकि इनसे पहले थे विजय शेखर शर्मा थे, वो कुछ और थे, और ये एक्टिंग चेयरमैन, अब जो एक्टिंग चेयरमैन बनाए थे वो LIC के, वो है हेमंत भार्गव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना, एक्टिंग चेयरमैन यानी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है एट प्रेजेंट LIC के, वो है हेमंत भार्गव। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, और ये कितने नंबर के हैं, तो ये आपको बताना 25th नंबर के। 24th नंबर के कौन थे, उर्जित पटेल थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। RBI का फॉर्मेशन पूछे तो 1 अप्रैल 1935 आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट की बात करें तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ बिपिन रावत कौन थे, आर्मी थे, और नवल यानी नेवी के स्टाफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है, वो है एडमिरल सुनील लंबा। सुनील लंबा हो गए नेवी के, आर्मी के हो गए कौन, बिपिन रावत, और जो एयरफोर्स है उसके हो जाएंगे धनोआ, BS धनोआ। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ हो गए वायुसेना अध्यक्ष। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे, ये इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। 14वां जो प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन है, उसके 14th नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है उसके ये बताना प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको आंसर हो जाएगा YB रेड्डी। अगर ये 15th पूछ ले, 15वें गए, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। 15वां है एन के सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15वें फाइनेंस कमीशन का आपसे पूछे तो ये बताना है। 21वें चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन, 21वें कौन है, बलवीर सिंह चौहान, और 20वें पूछे तो AP सिंह, तो आपको 21वें ध्यान में रखना है, और लॉ कमीशन के तो बलबीर सिंह चौहान, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट दोनों। NK सिंह है फाइनेंस कमीशन 15वें, और ये 21वें लॉ कमीशन। ICC प्रेसिडेंट है शशांक मनोहर, और CEO कौन है, डेविड रिचर्डसन। ICC की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ध्यान देना ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना इसको ध्यान में रखना, काउंसिल, ठीक है। और सबसे पहले इसका नाम क्या था, ये था सबसे पहले था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये पहले हुआ करता था नाम, दोनों ध्यान में रखना है, पहले ये नाम हुआ करता था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, और अब इसका क्या नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था पहले, और अब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो शशांक मनोहर, और इसके जो CEO है वो डेविड रिचर्डसन, और इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE। ICC डेप्यूटी चेयरमैन है इसके इमरान ख्वाजा। SAARC की बात करें, इसके सेक्रेटरी जनरल है अजमत हुसैन। अगर SAARC की बात करें, इसके मेंबर सदस्य हैं, ध्यान देना इसके जो सदस्य हैं परमानेंट वो है 8 सदस्य, और इसके ऑब्जर्वर सदस्य पूछ ले आपसे एग्जाम में, इसके ऑब्जर्वर सदस्य बताओ तो आपको 9 बताना है, यानी देखने वाले देखरेख वाले जो सदस्य, इसके से चाइना वगैरह कंट्रीज हैं, इसके 9 सदस्य, अगर इसके परमानेंट सदस्य पूछे तो आपको 8 बताना है सर के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर आपसे पूछें तो यह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू के अंदर, इसका जो फॉर्मेशन पूछे आपसे तो 8 दिसंबर 1985, ये आपको ध्यान में रखना है। HRD मिनिस्टर की बात करें
एचआरडी मिनिस्टर है अपने प्रकाश जावड़ेकर, ध्यान में रखना। और इनका अगर राज्यसभा सदस्य कहाँ से है, ये एमपी से है, एमपी से राज्यसभा सदस्य है प्रकाश जावड़ेकर जो एचआरडी मिनिस्टर हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये नए, ध्यान देना, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, और इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे अरविंद सुब्रमण्यम, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, अरविंद सुब्रमण्यम। तो अरविंद सुब्रमण्यम की जगह अब आगे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये नए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। गृहमंत्री हो गए राजनाथ सिंह, और इनका जो लोकसभा क्षेत्र वो है लखनऊ यूपी, लखनऊ यूपी। विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, और इनका जो लोकसभा क्षेत्र आता है वो आता है विदिशा एमपी, विदिशा एमपी। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली है, और ये थोड़े बीमार से चलते हैं, तो इनका जो कार्यभार है ये संभाल रहे हैं पीयूष गोयल साहब, ठीक है। ये रेलवे मंत्री है, लेकिन जो वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार ये इन्हीं को दे रखे हैं। और अगर अरुण जेटली की बात करें तो ये राज्यसभा सदस्य कहाँ से, गुजरात से, ध्यान में रखना, गुजरात से। वाणिज्य मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर ये सुरेश प्रभु, ध्यान देना, इनके पास कॉमर्स मिनिस्टर है ही, साथ ही साथ में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास है, सुरेश प्रभु के पास। और इनका जो लोकसभा वो आता है राज्यसभा क्षेत्र है वह आंध्र प्रदेश, ये राज्यसभा एमपी है, राज्यसभा सदस्य कहाँ से, आंध्र से। नेक्स्ट की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, मेनका गांधी, और ये कहाँ से, ये पीलीभीत यूपी से, पीलीभीत यूपी। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर आता है ये अपने राधामोहन सिंह, राधामोहन सिंह, और ये कहाँ से, पूर्वी चंपारण बिहार, जो जो बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखना, पूर्वी चंपारण बिहार, राधामोहन सिंह। टेक्सटाइल मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी, टेक्सटाइल मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी, और ये गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं, गुजरात से, ये ध्यान में रखनी है आपको, गुजरात से। इसरो प्रेजिडेंट कौन है, डॉक्टर के सिवान, और इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर है, डॉक्टर के सिवान। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ये इम्पोर्टेंट है, ये है ए एन झा, अजय नारायण झा, नए वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय नारायण झा। और न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जो नए हैं वो भी तुषार मेहता ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फूड वो है डिवीज सदानंद गौड़ा, और ये कहाँ से आता है, बेंगलोर नॉर्थ से, बेंगलोर नॉर्थ। राज्यसभा जनरल सेक्रेटरी, देखो राज्यसभा की बात करें इसको अपर सदन कहते हैं अपन, अपर सदन, ध्यान देना है, राज्यसभा को कहते हैं अपर सदन, और इसके अंदर 245 सीटें हैं। और इसके राज्यसभा की बात करें तो इसके जो लीडर हैं, लीडर की बात अभी देख लेते हैं, जनरल सेक्रेटरी हुए देश दीपक वर्मा, ध्यान देना, राज्यसभा को अपर सदन कहते हैं, 245 इसके अंदर सीटें होती हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी वो है एसएस देसवाल। और इंडिया की जो फॉरेन सेक्रेटरी है विजय केशव गोखले, वित्त सचिव, ध्यान देना, वित्त सचिव सेक्रेटरी पूछा है, विजय केशव गोखले। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय नारायण झा। नेक्स्ट है होम सेक्रेटरी राजीव गौबा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सेंसर बोर्ड प्रसून जोशी, ट्राई, ये इंपॉर्टेंट है, अपना जो आधार कार्ड आता है और जितने भी ट्राई वगैरह वो इसके अंडर में आते हैं। ये कौन है, इसके राम सेवक शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, ट्राई अध्यक्ष कौन है, राम सेवक शर्मा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जो प्रेसिडेंट है वो है आदर्श कुमार गोयल। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी जो पर्यावरण मंत्री है अपने, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान पर्यावरण मंत्री वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये आते हैं चांदनी चौक दिल्ली से। पीसीआई के अध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वो है सी के प्रसाद। डायरेक्टर जनरल बताना है अपने को एनआईए वो है वाई सी मोदी। इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो है यदुवर सिंह मलिक, ये इंपॉर्टेंट है, यदुवर सिंह मलिक। चेयरमैन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, अजय त्यागी, सेबी के चेयरमैन बताने हैं अपने को अजय त्यागी। चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एनटीपीसी ये गुरदीप सिंह है। प्रेसिडेंट रामदास सिंह कोविंद हो गए। वाइस प्रेसिडेंट हो गए श्री एम वेंकैया नायडू, ये राज्यसभा सदस्य होते हैं या कहे तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए, ये लोकसभा लीडर भी है। क्वेश्चन आ गया कि लोकसभा के लीडर बताओ, तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और क्वेश्चन आ गया कि लोकसभा के अपोजिट पार्टी के लीडर बताओ, तो नन ऑफ द अबव, कोई नहीं होगा, क्योंकि 10% सीटें लाना जरूरी है लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के विपक्ष के नेता बनने के लिए, और कोई भी पार्टी नहीं है जिसके 10% सीटें हों, तो जो अपोजिशन लेटर है यानी जो विपक्ष का नेता वो बिल्कुल ब्लैंक है, कोई नहीं है एट प्रेजेंट। और इसके पक्ष के नेता कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट नाबार्ड के बताना है तो हर्ष कुमार बनवाला।
लोकसभा स्पीकर है सुमित्रा महाजन और लोकसभा की सीटें कितनी होती है 545, इसको हम निम्न सदन बोलते हैं। और लोकसभा स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन। लोकसभा डिप्टी चेयरमैन कौन है? एम थंबीद्रोई। और ये कौन सी पार्टी से है? AIMDMK से, ध्यान में रखना पार्टी का नाम भी। जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा वो कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का पूछे तो गुलाम नबी आज़ाद, और लोकसभा का पूछे तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई नहीं है। राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। राज्यसभा डिप्टी स्पीकर वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और इनकी पार्टी का नाम पूछे तो JDU। तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक। पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले ज़रूर देखे जाइएगा।